सो so, पिछले वीडियो में हमने मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी और आज इस वीडियो में हम लोग सीवा फेरटोस्थिन पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्सर पूछा जाता है पर उससे पहले कुछ प्राइम नंबर पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर गिवन होगा और हमें प्रिंट करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है तो बहुत आसान सा ये कोड है राइट कर लेते हैं जैसे हमें एक नंबर गिवन होगा नम इन In इनपुट और हमें बताना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं तो हमने इस प्राइम नाम का पहले इससे पहले वीडियो में कोड लिख रखा था एक नंबर लेगा और हमें रूट ऑफ दैट नंबर तक रन कराना है आई वैल्यू टू मुझे लेनी है और एक लूप चलाना है कि जब तक आई इं आई मेरा लेस देन इक्वल टू नम होता है तब तक अगर नम मॉडलस आई यानी कोई ऐसा आई मिल गया जो कि नम को डिवाइड कर पाता है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा यहाँ से फॉल्स और अगर ऐसा नहीं हो पाया और हर बार मैं आई को एक बढ़ाता रहूँगा अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं सिंपली रिटर्न ट्रू कर दूंगा और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू इज प्राइम नम एंड प्रिंट आंसर अगर मैं यहाँ पे ट्वेल्व डालूँ तो आंसर मेरा फॉल्स आना चाहिए और अगर मैं ट्वेल्व की जगह यहाँ थर्टीन डालूँ तो मेरा ये ट्रू आना चाहिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ सीरीज ऑफ नंबर प्रिंट इट इज़ प्राइम और नॉट तो हमें एक सीरीज ऑफ़ नंबर कि वेन होगा मान लेते हैं कि जो सीरीज ऑफ नंबर है ये लाइक like करता है आपका टू से ले कर और टेन टू दावर फाइव तक आप मान लो यहाँ तक आपके नंबर हो सकते हैं तो इस केस में भी हमें एक सीरीज़ लेनी है और बताना है कि इनमें से जो भी नंबर हैं वो प्राइम हैं कि नहीं है सो लेट्स टेक अ सीरीज इंस्टेड ऑफ़ अ सिंगल इनपुट तो सीरीज़ में सिंपली हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं मैप में इसको ले लेते हैं मैप इनपुट डॉट स्प्लिट और इस पूरे सीरीज़ पे एक लूप चला देते हैं फॉर आइटम इन सीरीज़ प्रिंट आइटम या फिर हम हर बार एक आंसर निकाल लेते हैं आंसर इज़ इक्वल टू इज़ प्राइम इस प्राइम में वो आइटम डाल देंगे और यहाँ सिंपली प्रिंट करा देंगे आइटम के साथ उसका आंसर जो कि ट्रू या फॉल्स होगा इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं थर्टीन टवेल्व फिफ्टीन और सेवनटीन लेट्स रन दिस तो थर्टीन मेरा ट्रू है ट्वेल्व फॉल्स है फिफ्टीन फॉल्स है और सेवनटीन ट्रू है तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर बार बार मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक सीरीज़ गिवन है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं ये नंबर प्राइम है कि नहीं तो मैं बार बार इस प्राइम को कॉल कर रहा हूँ इससे अच्छा मैं एक लिस्ट बना लूँ और लिस्ट में रख लूँ कि कोई नंबर मेरा प्राइम है कि नहीं है और जैसे ही कोई पूछेगा मैं बता दूंगा कि ये प्राइम है कि नहीं तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा एक लिस्ट बना लूंगा सपोज़ यहाँ पे गिवन है कि मेरा जो रेंज है वो के तक जाता है और के की वैल्यू टेन टू द पावर फाइव तक है तो मैं के प्लस वन साइज़ का एक एरे लिस्ट बना लूँगा एरे बना लूँगा आप जो भी समझो यहाँ पर ज़ीरो इंडेक्स वन टू थ्री डॉट 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 ये केथ इंडेक्स है टोटल मेरा साइज़ के प्लस वन है और इस जगह पे अगर वैल्यू ज़ीरो होगी और ये अगर आई है अगर और इसे अगर मैं एरे बोलूँ या प्राइम बोलूँ अगर कहीं पे प्राइम ऑफ आई मेरा ज़ीरो है इसका मतलब जो आई है यानी इंडेक्स है वो मेरा एक नॉन प्राइम नंबर है और अगर यहाँ कहीं प्राइम की वैल्यू वन है प्राइम ऑफ आई अगर मेरा वन है इसका मतलब आइज़ा प्राइम स्टार्टिंग में सब पे वन रख देते हैं और एक बार पूरी लिस्ट पे आइट्रेट कर लेते हैं और हर जगह ज़ीरो जीरो भर देते हैं जहाँ पे भी वो नंबर प्राइम नहीं है सो so, उसके लिए हम सिंपली प्राइम्स नाम की एक एरे बना लेते हैं एरे का साइज़ अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू दे दूँ के की वैल्यू दे दूँ टेन टू द फाइव टेन टू द फाइव और स्टार्टिंग में हर जगह मैं वन भर देता हूँ यहाँ पे के प्लस वन साइज का एक प्राइम्स एरे है प्राइम्स ऑफ ज़ीरो जो है और प्राइम्स ऑफ वन है ये ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों ही नॉन प्राइम नंबर हैं नाउ एक लूप चला लेते हैं फॉर आई इन रेंज और रेंज में यहाँ पे लिखेंगे कि मैं टू से लेके कर के प्लस वन तक रेंज चलाऊँगा ताकि टू से के तक चले अगर मेरा इस प्राइम फंक्शन कॉल करता हूं और कहता हूं कि अगर मेरा आई प्राइम है तो मैं यहां पे वन भर दूंगा इफ इस प्राइम ऑफ आई तो मैं प्राइम्स ऑफ आई पे वन भर दूंगा जो कि पहले से भरा हुआ है तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं और अगर ऐसा नहीं है तो प्राइम्स ऑफ आई में मैं यहां पर जीरो भर देता हूं ठीक है की वैल्यू थोड़ी स्मॉल ले लेते हैं लाइक like के की वैल्यू फिलहाल के लिए फिफ्टीन या ट्वेंटी ले लेते हैं ताकि आपको साथ में आउटपुट भी मैं दिखा सकू नाउ लेट मी प्रिंट प्राइम्स इसको कर देते हैं कमेंट नाउ अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स सेकंड सेकंड इंडेक्स पे मेरा वन है यानी टू मेरा एक प्राइम है थर्ड इंडेक्स पे भी मेरा वन है यानी यानी भी भी एक प्राइम है, पे, पे है, प्राइम है 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 फोर्थ पे पे फिफ्थ फिफ्थ मेरा वन सो ऑन तो मेरे पास एक एरे आ गई है यहाँ पे जब मैं अब सीरीज़ यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो सीरीज़ में मैं इस प्राइम कॉल करने के बजाय मैं डायरेक्टली प्राइम्स ऑफ आई से पूछ लेता हूँ कि जो मेरा प्राइम्स ऑफ आई है या प्राइम्स ऑफ आइटम है ये मेरा क्या है तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो थर्टीन पे वन आ रहा है सेवनटीन पे वन आ रहा है ट्वेल्व और फिफ्टीन पे ज़ीरो आ रहा है तो ये मेरा सिंपल सी एक अप्रोच हो गई अब क्या मैं इसको थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ देखो आ, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मेरा टू एक प्राइम है तो क्या टू के जितने भी मल्टीपल हैं यानी फोर सिक्स एट टेन डॉट 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 ये सारे नॉन प्राइम होंगे एक और क्वेश्चन अगर मेरा थ्री है थ्री एक प्राइम है तो सिक्स नाइन ट्वेल्व इसके थ्री के जितने भी मल्टीपल होंगे वो नॉन प्राइम होंगे ये बात समझ में आती है तो अगर ये बात समझ में आती है इसका मतलब अगर इफ मेरे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है इसका मतलब अगर कहीं पे भी प्राइम ऑफ आई यानी आई मेरा प्राइम है अगर मेरा प्राइम ऑफ आई वन है इसका मतलब आई प्राइम है और अगर आई प्राइम है तो टू आई थ्री आई फोर आई डॉट 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 जितने भी के से छोटे हैं सारी जगहों पे मेरा जीरो होना चाहिए और सारे ही नॉन प्राइम होने चाहिए क्योंकि ये सारे एक प्राइम नंबर के मल्टीपल है अगर कोई किसी का मल्टीपल है तो उससे वन और खुद के अलावा भी उसमें कई सारे फैक्टर आ जाएंगे जैसे ट्वेल्व ट्वेल्व अगर थ्री थ्री का एक मल्टीपल है तो ट्वेल्व का थ्री एक फैक्टर हो गया और प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि वन और इट् के अलावा कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए तो क्या मैं एक लूप चला लूं कहाँ तक टू से लेके के तक और चेक कर लू कि अगर मेरा प्राइम ऑफ आई अगर मेरा वन है तो आई के जितने भी मल्टीपल हैं उनके प्राइम ऑफ आई पे मैं जीरो भर दूँ यानी सारे नॉन प्राइम हो जाएंगे तो अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप में लिखूँगा फॉर i इन रेंज टू से लेके और मुझे कहाँ तक चलाना है k प्लस वन तक चलाना है ताकि टू से लेके k तक लूप चले इसके अंदर मुझे क्या करना है कि अगर अगर मेरा प्राइम्स ऑफ i मुझे वन मिल गया है इसका मतलब जितने भी आई के मल्टीपल है टू आई थ्री आई फोर आई इन सब पे मैं जीरो भर दूंगा तो जे नाम का एक वेरिएबल ले, ले लेता हूँ स्टार्टिंग में टू आई लिख देता हूँ और एक लूप चला देता हूँ लूप के अंदर लिखता हूँ वर्ल्ड जे लेस देन इक्वल टू के ताकि रेंज से बाहर ना जाए और प्राइम्स ऑफ सारे जे पे मैं ज़ीरो भरता चला जाऊँगा स्टार्टिंग में सारे प्राइम्स पे मैंने वन रख रखा था यानी स्टार्टिंग में मैंने मान के चला कि सारे प्राइम्स मेरे वन हैं और जब भी मुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि प्राइम नहीं है मैं वहाँ जीरो भर देता हूँ और जे की वैल्यू मैं बार बार आई से इंक्रीज कर देता हूँ आई की वैल्यू फाइव है तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ऐसे चलेगा सो जे इज इक्वल टू जे प्लस आई नाउ ये मेरा एक लूप हो गया और ये कैपिटल के नहीं स्मॉल के होगा अब मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ प्राइम्स ओके तो आप देखो कि अभी भी आपका सेम रिजल्ट आ रहा है यानी मैंने एक बाहर लूप चलाया के टाइम्स अगर इसको एन मान लो कुछ भी मान लो तो एन टाइम्स और इसके अंदर मैंने एक इफ कंडीशन चला दी है इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर मैंने एक वाइल्ड लूप चला दिया ठीक है तो ये भी सेम ही कोड है सेम ही काम कर रहा है अब क्या मैं इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कैसे अगर मैंने एक नंबर लिया टू तो ये मेरा फोर सिक्स एट ट्वेल्व फिफ ट्वेल्व फोटीन डॉट 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 सो ऑन सब पे ये मेरा ज़ीरो भर देगा बात पक्की अगर मैं एक नंबर लूँ सेवन सेवन से मैं स्टार्ट करता हूँ तो अगला नंबर मैं फोर्टीन लेना चाहता हूँ जिसपे मैं ज़ीरो भरना चाहता हूँ बट फोर्टीन को तो पहले नहीं टू ने ही ज़ीरो भर दिया होगा टू इंटू सेवन मेरा फोर्टीन अगर मैं ट्वेंटी वन की बात करूँ तो इसको थ्री ने भर दिया होगा थ्री सेवन या ट्वेंटी वन अगर मैं ट्वेंटी एट की बात करूँ तो इसे टू ने भर दिया होगा अगर मैं थर्टी फाइव की बात करूं तो इसे फाइव ने भर दिया होगा अगर मैं थर्टी फाइव के बाद फोर्टी टू की बात करूं तो इसे टू ने भर दिया होगा पहले से ही ज़ीरो अगर मैं फोर्टी नाइन की बात करूं तो इससे किसी ने नहीं भरा होगा यानी अगर एस को मैं मानता हूं टी कोई एक नंबर है टी है तो टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर से पहले जितने भी नॉन प्राइम हैं उनको पिछले वाले किसी नंबर ने भर दिया होगा बात समझ में आ रही क्योंकि इससे पहले t माइनस वन है यानी t इंटू टी माइनस वन तक सब कुछ कवर हो चुका होगा तो हमें जो अगला लूप है वो टू इंटू आई से स्टार्ट करने के बजाय आई स्क्वायर से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि i इंटू आई माइनस वन यहाँ तक काम हो चुका होगा यहाँ तक सारी वैल्यू आपकी जितनी भी नॉन प्राइम है वो जीरो भर चुकी होंगी तो यहाँ पे मैं जो ये स्टार्ट कर रहा हूं ये आई इंटू आई से स्टार्ट करूंगा ये थोड़ी और बेहतर अप्रोच मेरी होगी ना देखोगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मैं ट्वेंटी की जगह यहाँ फिफ्टीन ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिख सके ओके तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया तो यही मेरी सीवा फेरेटोस्थिन से आपका ये जो कोड लिखा हुआ है बस एक दो तीन चार पाँच छः ये छः लाइन का कोड है यही सीवा पेरेटोस्थिन सीवा पेरेटोस्थिन कहती है कि अगर आपको कभी ऐसे रेंज में पूछा जाए कि इतने सारे नंबर हैं उनमें से कितने प्राइम है कितने प्राइम नहीं है ऐसे क्वेश्चन जहाँ रेंज वाली बात आ जाती है वहाँ बार बार प्राइम नहीं कैलकुलेट करते बल्कि एक बार प्राइम कैलकुलेट करके रख लेते हो और उसके बाद उसको बार बार यूज़ करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर के के जगह मैं एन लेके कर चलूँ तो बाहर वाला लूप एन टाइम्स चल रहा है अंदर वाला लूप जो है वो हर बार एन बाई आई से डिक्रीज़ हो रहा है यानी पहली बार में अगर आई की वैल्यू वन होगी तो ये वन टू थ्री फोर ऐसे चलेगा सेकंड बार में अगर आई की वैल्यू टू होगी तो टू फोर सिक्स थर्ड बार में अगर आई की वैल्यू थ्री होगी तो थ्री सिक्स नाइन ऐसे आपका एन बाई आई के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है और अंदर वाले की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग ऑफ लॉग एन होती है और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एन लॉग ऑफ लॉगन अब इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो हम यहाँ नहीं समझेंगे क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड है फिलहाल ये मेरा सीवा फेटोसिनस हो गया नक्स्ट क्वेश्चन है हमें दो नंबर गिवेन होंगे और फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर एक्चुअली ये यहाँ पर गलत है अगर हमारे पास दो नंबर गिवेन होंगे या फिर ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि हमें एक नंबर गिवेन होगा और हमें बताना है कि कितने प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं इस नंबर से पहले या बराबर अगर मैं ट्वेल्व बोलूँ ट्वेल्व से कितने छोटे प्राइम है तो ट्वेल्व से छोटा आपका अलेवन है नाउ अगर टू है थ्री है फाइव है सेवन है एट नाइन टेन ओके वन टू थ्री फोर फाइव आंसर मेरा फाइव होना चाहिए तो इसके लिए आप सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है आप कैलकुलेट कर लो एक लूप लगा लो एक फॉल लूप लगा लो और टू से लेके 12 ट्वेल्व तक आप कैलकुलेट कर लो इस प्राइम एक प्राइम नाइम की जो हमारी एरे है जिसे हम सी ऑफ एलिटोस्टीज बोल रहे हैं उसके आई इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि मेरा आई प्राइम है या फिर नहीं है तो वहाँ से काम हो जाएगा पर इसका एक और बेहतर तरीका है कि हम एक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं प्रिफिक्सम की एक एरे बना लेते हैं ये क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास एक एरे है और एरे में ऐसे इंडेक्सेस हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे आपके इंडेक्सेज हैं एंड सो so ऑन यहाँ पे वैल्यू है अगर आपकी ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो एंड ज़ीरो एंड ज़ीरो और अगर मैं आपसे एक बार में पूछूं कि ये बताओ सिक्स से पहले कितने सिक्स से पहले नंबर्स का समयसन कितना है तो आप वैसे तो आपको सारा समयसन देखना पड़ेगा बट इसका एक आ, 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 अच्छा तरीका ये है कि आप एक लूप चला लो और हर बार प्रिफिक्स सम लेते जाओ प्रिफिक्स सम का मतलब क्या है जीरो पे आप ज़ीरो भर दोगे वन पे आप ज़ीरो भर दोगे नाउ टू पे आप ये नंबर वन जो अभी नंबर आया वन प्लस जो इससे पहले जितना प्रिफिक्स सम आ चुका था सम का मतलब कि आपका कितना सम आ चुका है अगर मैं प्रिफिक्स ऑफ एन की बात करूं तो ये बराबर होगा प्रिफिक्स ऑफ एन माइनस वन यानी एन माइनस वन इससे पहले कितना सम आ चुका है प्लस करंट एलिमेंट तो प्रिफिक्स ऑफ टू की बात करें तो ये है आपका वन और वन प्लस ज़ीरो आपका वन आएगा नो प्रिफिक्स ऑफ थ्री की बात करें यानी थ्री से पहले कितना प्रिफिक्स आ चुका है तो वो वन प्रिफिक्स आ चुका है और अभी करंट नंबर वन है तो वन वन टू फोर पे भी आपका कितना आएगा फोर पे भी अभी है आपका ज़ीरो और इससे पहले टू समन आ चुका है टू प्रिफिक्स का मतलब कितना कि इससे पहले या इसको मिलाकर प्रिफिक्स ऑफ अगर एन की आप डेफिनेशन बात करो तो कितना टोटल समेशन है टिल एन इंडेक्स ये बात समझ में तो अगर मैं फाइव प्रिफिक्स ऑफ फाइव की बात करूं तो ये वन प्लस टू यानी थ्री तो आप देखोगे अगर फाइव और उससे पहले कैलकुलेट करोगे तो वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस वन तो ये टोटल यहाँ पे थ्री आ जाएगा सिक्स पे भी आपका थ्री सेवन पे आपका थ्री प्लस वन फोर एट पर आपका फोर नाइन पे आपका फोर टेन पे आपका फोर अलेवन की बात करो तो अलेवन पे एक और वन है तो आपका अलेवन पे फाइव तो आप देखोगे आप एक झटके में बता सकते हो कि फाइव पे क्या नंबर पड़ा है जो नंबर पड़ा है वही समीशन होगा करंट नंबर और उससे पहले आने वाले जितने नंबर है उनका और यही आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स भी हो जाएगा मेरे पास प्राइम्स पहले से हैं मैं प्रीफिक्स की एक एरे बना लेता हूँ प्रीफिक्स प्रीफिक्स की एक एरे बना के स्टार्टिंग में जीरो रख के इसका साइज़ के प्लस वन ही रख देता हूँ और के मेरा फिलहाल के लिए फिफ्टीन है तो यहाँ पे प्रीफिक्स हम की एरे बना लेता हूँ यहाँ तक मेरा प्राइम्स नाम का वो निकल आया था मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज यहाँ पर जो मेरा प्रीफिक्स ऑफ ज़ीरो है ये मेरा ऑब्वियसली ज़ीरो है प्रिफिक्स ऑफ वन है ये भी हमेशा ज़ीरो आएगा क्योंकि पहले से स्टार्टिंग में मैंने सब पे ज़ीरो भर ही दिया तो मेरा काम क्या है सिंपल मैं एक लूप चलाता हूँ रेंज टू से ले कर के प्लस वन तक क्योंकि मुझे पता है कि टू से नीचे कोई भी प्रिफिक्स आपका कोई पॉजिटिव नंबर नहीं आना है सिर्फ जीरो आना है और हर बार मैं प्रीफिक्स ऑफ आई को बोलता हूँ कि करंट नंबर क्या है यानी प्राइम से पूछता हूँ कि करंट नंबर आपका आई क्या है वन है या ज़ीरो है प्लस कितना इससे पहले सम आ चुका है तो आई माइनस वन पर वो सम रखा होगा और प्रिफिक्स सम मेरा बता देगा कि कितने नंबर मेरे समेसन कितना है तो यहाँ पे मुझे ये जो मैंने लूप चलाया था इसको कट करते हैं यहां पे रखते हैं ओके okay, ये मेरा सीव ऑफ है ना कि ऊपर वाला सीव ऑफ एरेटोस्थींस तो ये मेरा प्रीफिक्स आ गया अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीफिक्स ऑफ फाइव प्रिंट कराओ तो हमारे आना चाहिए ये आना चाहिए फाइव आपका प्राइम है फोर आपका प्राइम नहीं थ्री आपका प्राइम है और टू आपका प्राइम है तो इसका आंसर आपका ओके okay. इसका आंसर आपका आना चाहिए थ्री फाइव देन थ्री देन टू अगर मैं सेवन की बात करूं तो सेवन को इंक्लूड करके सेवन फाइव थ्री और टू चार तो देखो आपका जो प्रिफिक्स सम है वो आपका होल्ड कर रहा है और वो एक बार में बता देता अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आपको एक एल गिवेन होगा एक आर गिवेन होगा आपको बताना है एल और आर के बीच में कितने प्राइम्स हैं इंक्लूडिंग एल एंड आर सो दिस विल बी योर होमवर्क सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं जो आपका ये प्रिफिक्स का कॉन्सेप्ट है यही इसमें यूज़ होना है बस एक छोटा सा चेंज है वो आप मुझे देख के कमेंट में बताना कैसा रहा और आप सी वो फिर आपको समझ में आया कि नहीं ये भी बताना मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय